वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ श्री सिद्ध विद्यापीठ स्कूल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी का हिंदी का दूसरा पाठ, बचपन। इस पाठ में लेखिका अपने बचपन की कुछ वर्णन देते हुए और हमारे बचपन के साथ तुलना करने की कोशिश की है। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। तो वो लेखिका क्या कह रही है कि वो अपने बचपन की ओर हम सबको ले जाना चाहती हैं और हमसे कुछ इतनी बड़ी हैं वो कि हमारी दादी भी हो सकती है, नानी भी हो सकती है, बड़ी बुआ भी हो सकती है और बड़ी मौसी भी, लेकिन उनके परिवार में उन्हें सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसीलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। तो वो इन दिनों क्या महसूस करने लगी है, सयाना मतलब अपने आप को थोड़ी सी चालाक और चतुर महसूस, बड़ी बड़ी महसूस करने लगी है कि, और किस लिए करने लगी है, शायद वो पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूँ। तो वो पहले क्या कौन से कलर के कपड़े पहनती थी और रंग बिरंगे कपड़े पहना करती थी, लेकिन अब उनका मन कैसा कलर पहनने को करता है, सफ़ेद पहनने को ही करता है, गहरे नहीं हल्के रंग पहनने को उनका मन करता है। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तो पहले वो कैसे कपड़े पहना करती थी, फ्रॉक, निक्कर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब वो क्या पहनने लगी हैं, चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो अब तक याद है, तो उनको बचपन के कुछ फ्रॉक अभी तक याद है, जैसे कि हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नौटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रील। तो उन्हें इन सब रंगों की फ्रॉक अभी भी उनको याद है। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। तो उन दिनों उनके फ्रॉक की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का बहुत ही चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गन फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। दो ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरे ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। उनको अपने फ्रॉक में से दो ट्यूनिक का भी याद है, जिसका वर्णन देते हुए वो कह रही हैं कि उनका रंग कैसा था, चॉकलेटी था, अंदर कोटी वाली प्याजी रंग की थी और दूसरा ग्रे कलर का था और उसके साथ सफ़ेद कोटी थी। मुझे अपने मोज़े और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोज़े खुद धोने पड़ते थे, वो नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। तो बचपन में उनको अपने मोज़े खुद धोने पड़ते थे और वो नौकर चाकर को धोने के लिए नहीं दिए जा सकते थे, क्योंकि इसकी बहुत सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। तो वो क्या करते थे इतवार की सुबह, मतलब रविवार की सुबह, अपने मोजे धो के अपने जूते को पॉलिश करके चमकाते। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदायक है। तो अभी वो क्या बोल रही है, अभी बहुत सारे नए नए किस्म के शू आ चुके हैं, मतलब जूते आ चुके हैं, और वो पहले से काफ़ी ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। तो वो जब भी हम सभी को जैसे कभी नए जूते पहनने को मिलते तो उसके साथ हम लोग को पैर में छाले भी पड़ते। तो उनको भी वही होता था कि जब उनको नए जूते मिलते थे उनके साथ उनके पैरों में भी जो छाले पड़ते थे उसका इलाज शुरू हो जाता था।
जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास कई रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। तो वो क्या कह रही हैं? हमारे और उनके बचपन में बहुत ही फर्क हो चुका है। हर शनिचर को हम ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। तो उनको हर शनिवार को क्या पीना पड़ता है? ऑलिव ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल पीना पड़ता है। यह एक बहुत ही मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। तो उनको क्या पीना पड़ता था हर शनिवार को? ऑलिव ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था, जो उनके परिवार वाले उनको ज़बरदस्ती पिलाते थे। और इसकी गंध जब नाक में आती तो उनको मितली होने लगती, मतलब उनका जी बहुत ही मितली होने लगती, उनको बहुत ही तकलीफ होने लगती, मतलब उल्टी आने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वो शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला तो नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तो उन्हें आज भी क्या लगता है, अगर वो शनिवारी ये जो ऑयल है वो नहीं पीते तो उनका सेहत कुछ बिगड़ता नहीं, ठीक ही रहता। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। तो वो क्या कहना चाहती है हम सबको, कि हमारे और उनके बचपन में बहुत अंतर है, और हमारे जो दिलचस्पियाँ हैं, हमारे जो मन के जो इच्छे हैं उनके उनसे बहुत ही उनका फर्क है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। तो वो क्या बोल रही हैं कि उन दिनों ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं हुआ करते थे। ग्रामोफोन भी कुछ एक रेडियो और टेलीविजन के जैसा ही एक मशीन है जो तब हुआ करते थे। और उनके बचपन में कुल्फी आइसक्रीम हो गई थी, आइसक्रीम हो गई उनके बचपन में कुल्फी खाते थे वो लोग, जो हमारे बचपन में आइसक्रीम के रूप से हम लोग जानते हैं। और कचौड़ी समोसा जो वो लोग खाते हैं, अभी हम लोग क्या खाते हैं? पैटीज, ये सब खाते हैं। और शरबत में वो लोग तब क्या पीते थे? शहतूत और फालसे। और अभी हम लोग क्या खाते हैं? खसखस। अभी हम लोग वो सब फालसे और खसखस पीते थे, और अभी हम लोग वो सब बदल के कोक पेप्सी में सब बदल गया है। और उन दिनों कोक नहीं, लेमोनेड विमटी मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती है। क्या बोल रही हैं रेखिका, कि शिमला और नई दिल्ली में जो भी बच्चे बड़े हुए हैं उनको वेंगर्स और डेविको एक रेस्टोरेंट का नाम है, जहाँ पे चॉकलेट और पेस्ट्री बहुत ही फेमस है, और उनको सब वो बहुत ही मज़ा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। तो वो क्या बोल रही है, उनके जो भाई बहन है सबकी क्या ड्यूटी, मतलब सबको एक काम मिलता था कि शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने का। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। तो वो क्या बोल रही है, उनका जो घर से जो मॉल की दूरी कितनी है? ज़्यादा दूरी नहीं है। वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हम हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छुट्टी थी, तो उन्हें हफ्ते में एक ही बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइडबोर्ड पर रख देती और रात को खाने के बाद बिस्तर पर लेट कर मज़ा ले खाती। तो वो क्या करती थी, उनके पास से सबसे ज़्यादा चॉकलेट टॉफी हुआ करता था, और वो उनको खड़े खड़े कभी नहीं खाती। वो घर लौटकर जब रात को खाने के बाद जब सोने का टाइम होता था तभी वो बिस्तर पर लेट कर मज़ा लेकर वो खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे होते थे वो। शिमला में भी एक काफल है, एक काफल तरह का कुछ खाने का चीज़ है जो बहुत ही खट्टे मीठे होते हैं, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी कसमल।
सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चेस्टनट एक तरह का नट है जो उनको छील के भुन के खाना पड़ता था और उनको वो बहुत ही पसंद था। चने जोर गरम और अनार के दाने, अनार दाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो तब जो तब थी वो अब भी नजर आती है। तो वो क्या कह रही है कि चने जोर गरम और अनार के दाने भी उनको बहुत पसंद थे और चने जोर गरम आज भी कहीं कहीं नजर आती हैं। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटे हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना था चने जोर गरम बाबू मैं ले लाया मजेदार। तो वो क्या बोल रही है कि चने जोर गरम से एक गाना भी हुआ करता था जो उन्हें बहुत अच्छा लगता था और उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को ये गाना आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक ये पुड़िया चलती। ये पुड़िया चलती मतलब वो जो चने जोर गरम उनको एक पुड़िया मतलब कागज की पुड़िया में उनको मिलता था तो ये खाते खाते वो पूरा गिरजा घूम लेती थी। गिरजा मतलब चर्च। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल जाती है। तो वो क्या कह रही है कि शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी घोड़ों की सवारी करने की मौका मिल जाती है। हम जाने क्यों घोड़े को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत होते हैं, उनकी बात फिर कभी करेंगे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। तो वो क्या बोल रही है कि शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे देखने को मिलते हैं, उसके सामने जाखू का पहाड़ मिलता है क्योंकि वो शिमला में रहती थी, पहाड़ी इलाका है वो, और ऊंचा चर्च भी मिलता है जहाँ चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उसकी गूंज फैल जाती थी। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु मतलब प्रभु जीसस क्राइस्ट स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। गुलाबी सुनहरी धारियां मतलब जब आकाश जब सूर्यास्त होता है तो आप लोग सब देखेंगे कि आकाश का रंग धीरे धीरे बदलने लगता है, तो वो देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है, मन भाव होता है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रैनक रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने, स्कैंडल पाइट और भीड़ में उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पाइट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन का छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। तो वो जब स्कैंडल पाइट में रहती सर्वर के सामने तो वहाँ पे ठीक सामने एक दुकान हुआ करता था जहाँ पे एक शोरूम था जहाँ पे शिमला कालका ट्रेन का एक मॉडल बना हुआ था छोटा सा। तो वहाँ पे वो देख क्या क्या देखती थी कि उसके अब ट्रेन का भी बहुत सारी पटरियाँ हैं और उसके ट्रेन के जो छोटे छोटे डिब्बे हैं और एक और लाल टीन का छत वाला स्टेशन भी है, सिग्नल भी लगा हुआ है और थोड़ी दूर दूर पर सुरंगें भी बनी हुई हैं जो एक ट्रेन का छोटा सा मॉडल है। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। क्या थी? शिमला कालका ट्रेन। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ जा रहा है पंख फैलाकर। तो हवाई जहाज को वो किस चीज से तुलना कर रही है? भारी भरकम पक्षी जैसे लग रहा है उनको उड़ जा रहा है। यह देखो और वो गायब, उसकी स्पीड की ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वही दुकान जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था,
वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। तो वो एक और एक दुकान थी उसकी इसी के सामने, जो उनको उन्होंने उसको कभी नहीं भूला, क्योंकि वहाँ पे उनको चश्मा लगा था और वहाँ पे एक अंग्रेजी आँखों के डॉक्टर रहते थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा सा लगा उनको, छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। तो उनको डॉक्टर साहब क्या कहते थे कि कुछ देर आप पहनेंगी तो ऐनक आपकी उतर जाएगी, क्योंकि तब वो छोटी थी, ऐनक मतलब चश्मा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने उनको पूरा एकदम आश्वासन दिया था, लेकिन उनका चश्मा अभी तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैम्प के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। तो वो क्या कह रही हैं, अपने आप को ये जिम्मेवार मान रही हैं इस चश्मा लगा नहीं उतरने के, क्योंकि वो रात को टेबल लैम्प के सामने बैठकर घंटों काम किया करती थी, जिससे कि उनकी आँख में कुछ तकलीफ़ आ गई थी। और उसके चचेरे भाई ने उनका मजाक उड़ाया और उन्होंने क्या कहा कि बोल रही हैं, देखो देखो वो कैसी लग रही हैं। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खींची की मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। तो वो उनके चचेरे भाई ने उनको कैसे बुलाया, कैसे चढ़ाया कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। लेकिन उनको ये थोड़ा सा खिजी हुआ, मतलब थोड़ा सा उनको बुरा लगा, लेकिन थोड़ा सा उनमें उनका मन को बुरा लगा, लेकिन ये जो उन्होंने फिर बाद में सोचा कि उनको फिर बुरा, ये शेर उतना भी बुरा नहीं लगा। जब वो चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई, कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। तो वो क्या करती हैं, अपने चश्मे को, फिर जब वो चाय पीकर वो चचेरे भाई चले जाते हैं तो अपने आईने के सामने कमरे में जाकर अपने आईने के सामने खड़ी हो जाती हैं और अपने आप को देखने लगती हैं, चश्मा एक बार उतारती हैं, फिर पहनती हैं। तो वो क्या बोलने लगी अपने मन में, सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तो उन्होंने अपने छोटे भाई का जो टोपा है वो अपने सिर पर रख दिया और उनको मजाकिया भी लगा, थोड़ा सा मजाक मतलब अपने ऊपर थोड़ा सा हंसी भी और अच्छा भी लगा। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। क्या बोल रही है, ये तो तब की बात थी जब वो छोटी थी, लेकिन अब तो उनके चेहरे के साथ ये चश्मा घुल मिल गया है। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली सा लगने लगता है। याद आ गया वो टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों का जमा कर लिए है, कहाँ दुपट्टा का ओढ़ना और कहाँ सहज सरल सुबीते वाली माचली टोपियाँ। तो आजकल वो क्या लगाना शुरू कर दी हैं, टोपा लगाना शुरू कर दी हैं, और वो भी शिमला व हिमाचली टोपियाँ। तो इस लेखिका का क्या नाम है, कृष्णा सोबती। ये पाठ बहुत ही मज़ेदार है बच्चों, आप इस पाठ को दोबारा अच्छे से पढ़िएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और इसके जो प्रश्न अभ्यास है, हम इसको दूसरे क्लास में उसके उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे और उसको करेंगे। तब तक आप ये पाठ अच्छे से पढ़िए और हमारी आपसे दूसरे क्लास में मुलाकात होगी।